या अकीदे का हो उसे मानना होगा। इन लोगों के हाथों पर गद्दारी की मोहर लगाई जाएगी ताकि दूसरों को सबक मिल सके। तुम्हारी नजरों में वो रहम दिली नहीं रही अब तुलुजा जो पहले हुआ करती थी। शहर बदर की मदद करना समझौते के खिलाफ है सैमुएल, ये उसकी सजा है। वो समझौता अपने भाइयों का कत्ल है या कबीले से तुम्हारी बगावत है। ये मेरी हिफाजत में है अबू लहब। जरूरत पड़ने पर तलवार का जवाब भी तलवार से दिया जाएगा। कहीं ये मेरा चचाजाद भाई हमजा तो नहीं जो इतनी बदतमीजी से बोल रहा है और शहर में मुंह छुपा कर आया है। इसकी वजह सफर की धूल है, वरना मैं दुश्मनों से कभी अपना चेहरा नहीं छुपाता। तुम मुझे अपना दुश्मन कह रहे हो? कहो तुम क्या कहना चाहते हो। यहाँ ना कोई सुनने वाला है और ना ही देखने वाला। मक्का की आंख भी मैं हूं और कान भी हमजा। तुम जो चाहो कह सकते हो। मैं बनी हाशिम वालों की भलाई चाहता हूँ। तुम्हारी भलाई में बुराई के अलावा और कुछ नहीं। जुबान को लगाम दो हमजा। मैंने मोहम्मद और उसके मानने वालों पर पाबंदी का समझौता किया तो सिर्फ इसलिए कि मुझे डर था कि मोहम्मद दूसरों के खुदाओं को मानने वालों को नकार कर इस शहर में चारों तरफ तहलका मचा देगा। छोड़ दो उसे। याद रहे, मक्का में गद्दारों के लिए कोई पनाह नहीं। जिसकी तुम हिफाजत कर रहे हो वो अब इस शहर में नहीं रह सकता। सैमुअल, तुम्हें कल ये शहर छोड़ना होगा सूरज डूबने से पहले। पैगंबर की तबलीग इस्लाम के पिछले 7 बरसों के दरमियान दूसरे कबीले वालों ने न सिर्फ मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाई बल्कि पाक पैगंबर को जान से मारने की साजिश भी की। इस वजह से मोहम्मद और उनके मानने वालों ने मक्का छोड़ दिया और मक्का के नजदीक 2 पहाड़ियों के बीच अबी तालिब वादी में पनाह ली। दूसरे कबीलों ने वादी के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि मक्का से खाना, साजो सामान या कोई भी शख्स वहां तक ना पहुंच सके, जैसा कि उनके बीच समझौता हुआ था। हम मुसलमानों को हमारे परेशान भूखे बच्चों के साथ उस बंजर वादी में मुश्किलात से जूझते हुए 3 साल गुजर चुके थे। प्यारे नबी ने फरमाया है कि बेटी की पैदाइश जन्नत की रहमत होती है। मुबारक वक्त की पहचान है ये। उन्होंने आपकी बेटी का नाम अपनी अम्मी के नाम पर रखा है, आमना। आमना। प्यारे नबी ने इन खजूरों पर दुआ पढ़ी और फरमाया इनसे माँ के दूध में कमी नहीं होगी। शुक्रिया। कुछ इंतजाम हुआ? 5 दिन सफर करके भी कोई नतीजा नहीं, जौ का एक दाना तक नहीं मिला। ताजुब है किसी कबीले ने हमारा पैसा कबूल नहीं किया। हमसे ताल्लुक तोड़ने की खबर सब तरफ फैल चुकी है। फिक्र मत करो, ये अल्लाह की शोहरत है और उसके बंदों के जरिए जाने अनजाने चारों तरफ फैल रही है। प्यारे नबी ने नन्ही बच्ची के कान में कुछ कहा जिससे मेरा दिल खुश हो गया। हमारे लिए मदद आ रही है। मक्का के बुजुर्गों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि मोहम्मद और उनके मानने वालों ने सारी परेशानियां कितने सब्र से झेली।
और फिर मुसलमानों के सब्र की वजह से मक्का के बुजुर्गों के दरमियान नाइत्तेफाकियां बढ़ने लगी। अबू तालिम, दारुल नदवा में 10 कबीलों के सरदार आकर जमा हुए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, फौरन चलिए। पैगंबर के घर का ख्याल रखना। अली जान, खाना बढ़ जाने के बाद पैगंबर को अकेला मत छोड़ना, उनके पास ही रहना। जी अबू जान। यहाँ मुखालिफत करने को है ही क्या, जब आप सब लोग समझौता रद्द करना चाहते हैं। मुझे भी तो आप सब की तरह अपने बनी हाशिम के रिश्तेदार याद आते हैं। मक्का मोहम्मद का खुशी से इस्तकबाल करेगा अगर बुजुर्गों की यही मर्जी है। जिस खुदा का दीदार हो उसे भुलाकर हम उस अल्लाह की इबादत करने लगेंगे जो नजर नहीं आता। क्या आप अपने गुलामों के साथ बैठकर खाना खाना चाहेंगे? और तुम, क्या तुम अपनी बीवी की मोहम्मद के अल्लाह पर ईमान रखने के बाद नाफरमानी बर्दाश्त करोगे? क्या तुम औरतों के बगैर ही अपना कारवां ले जाने की हिमाकत करना चाहते हो? तो तुम्हें अपने बुजुर्गों से मुंह मोड़ना होगा, अकीदतमंदों के सारे खुदा छीन लें और कारवां के आने का इंतजार करें। पर यह बताइए, उस कारवां में आएगा कौन? और अगर बुजुर्गों का फायदा इसी में है तो यकीनन मैं आपके साथ हूं। आमदीद बुजुर्ग कुरैश, मक्का को आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है। आइए, यहां के सारे बुजुर्ग आज भी सबसे ज्यादा आपका एहतराम करते हैं। इस्तकबाल अबू तालिब। वक्त बहुत कम है और मसले बहुत ज्यादा, मुख्तसर करने के लिए सबकी तरफ से मैं बात करूंगा। मक्का दिन ब दिन फैलता ही चला जा रहा है, मगर साथ ही मशहूर हस्तियां कम हो रही हैं। अभी कुछ बरसों पहले तक इस शहर में खदीजा जैसी अजीम कारोबारी थी। आपने कभी सोचा कि आज मोहम्मद कितने ऊंचे मुकाम पर हो सकता था? इससे ऊंचा मुकाम और क्या होगा कि उसे अल्लाह ने चुना है। अबू तालिब, इस साल मक्का आने वालों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। बाकी मेहमानों से मैं आपको अलग ले आया क्योंकि एक राज है जो मैं सिर्फ आप ही को बता सकता हूं। मेरा दिल मोहम्मद के दावत इस्लाम से रोशन हुआ है। बहरहाल मैं ये जानना चाहता हूं कि इस्लाम कबूल करने के लिए वो अबू सुफियान को कितनी रकम दे सकता है। ईमान बिकने वाली चीज नहीं होती। अगर उसे अल्लाह ने चुना है तो मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा, हम दोस्त बन जाएंगे। हमारी इस दोस्ती की खुशबू से पूरा मक्का महक उठेगा। मगर ईमान से अपना दिल बहलाया जा सकता है, पर किसी दूसरे के मजहब में खलल नहीं डाली जा सकती। अबू तालिब, क्या इन लोगों का कोई खुदा नहीं? क्या इनके कोई रस्म रिवाज नहीं?
अगर मोहम्मद उसके अल्लाह को उसके दिल में ही रखेगा तो वो इस शहर की दौलत और बरकत का हिस्सेदार बन सकता है। और आप भी अबू तालिब, पहले की तरह अपनी अजीम शोहरत के हकदार बने रहिए और शहर का सबसे शानदार कारवां बनाइए। हाँ, तुम खूब जानते हो मुझे, मुझे मक्का की दौलत का लालच मत दो, बल्कि तुम तो मुझे वो राज की बात बताओ जो कि नहीं बताई इब्ने हर्ब। वो राज की बात? आइए मेरे साथ। वो लोग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सभी अब एक हो गए हैं। कल सुबह होने के बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। मतलब कबीलों के बीच जाओ? देखिए, जो खुद मरना चाहता हो उसे खून का बदला नहीं मिलता। मेरे हाथ पाक साफ हैं, न ही दामन पर खून के दाग हैं, सिवाय उनके जो दूसरों ने लगाए हैं। अबू तालिब, अगर मोहम्मद ने अपना दावा नहीं छोड़ा तो बनी हाशिम उसकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, फिर कोई मुहाफिज तलवार नहीं होगी। और तलवार होगी एक बेसहारा शख्स की गर्दन पर जो अल्लाह का पैगंबर है। याद रखिए, कहीं एक बार जंग का बिगुल बज गया तो फिर मैदाने जंग से बनी हाशिम वालों के घरों में सिर्फ लाशें जाएंगी। तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है। देखा कि अल्लाह ने हाथियों पर सवार फौज का क्या हश्र किया? क्या उनके सारे नापाक इरादे नाकाम नहीं हो गए थे? अल्लाह ने अपने परिंदों के बड़े झुंड को फरिश्तों की तरह भेजा और किस तरह कंकरों की मुसलसल बारिश करवाई और मैदान जंग में उनको सूखे पत्तों की तरह कुचलकर उनका नामो निशान तक मिटा दिया।
देखा तुमने, इतने हंगामे में भी तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सुकून है। जब उस सफर से तुम्हारे अब्बू की कोई खबर नहीं आई, उस वक्त पहली बार मेरे पेट में तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मेरे दर्द का मरहम बना। उसे मेरी हिफाजत में छोड़ा था, उसे अकेले मत छोड़ो, जाओ जल्दी। अबू तालिब, अबू तालिब, तुम यहाँ शहर में क्या कर रहे हो? ये जख्म तुम्हें कैसे लगा? हाथी सवार फौज हमारे अबू के सारे ऊँट ले गए। ताइफ के बुजुर्गों ने रहम की दरख्वास्त की है। क्या वो इतने नजदीक आ चुके हैं? उन्होंने मोगमास में डेरा डाला है। मैं उदैल और शाहिद के साथ था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अबू कहाँ है? मैं अभी आता हूँ। मुकाबला करने का कोई फायदा नहीं, हमारे पास ज्यादा सिपाही नहीं है। सारे कबीलों को मिलाकर सिर्फ मुट्ठी भर लोग होंगे। अब्बास अभी आपके ऊंटों की खबर लेकर आया है। अब्राहा के सिपाही सारे ऊंट लूट के ले गए। आमना कहां पर है? वो यहीं रुकेंगी, मैंने फातिमा को उनकी देखभाल के लिए कहा है। तुम काबा में पनाह लेने वालों का ख्याल रखो, और जो लोग जा रहे हैं उन सब की मदद करने को कहो, और किसी अबिसिनियन बोलने वाले को तलाश करो। तुम मक्का के बुजुर्ग हो और मक्का के एक अहम मुहाफिज भी। मेरे इस सफर के दौरान जिस शहर से मैं गुजरा, वहाँ के बुजुर्ग मेरे सामने आए और गिड़गिड़ाए। कुछ ने रहम की भीख मांगी और कुछ ने नहीं। मैंने कुछ को मार डाला और उनके खुदाओं को हटा दिया, और कुछ को उनके खुदाओं के साथ माफ करके छोड़ दिया। मगर काबे पर मेरी नजर शुरू से थी, उसे नेस्तो नाबूद करना मेरा ख्वाब था। अब मैं काबे के बुजुर्ग और मुहाफिज की फरियाद सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं फरियाद यहाँ सुन सकता हूँ, मैदाने जंग में नहीं। मेरी ये फरियाद है, यह यानी फिर लागू ना
आपकी फौज के सिपाही मेरे 90 ऊंट लूट कर ले गए हैं। जब जंग नहीं हुई तो लूट मार कैसी? और लिहाजा आप मेरे सिपाहियों को और मेरे ऊंट और ऊंट बानों को आजाद करने का हुक्म दीजिए। सिलेजी गिमलोचेन आसमल सिल्ली ये दुमल का पाके ओचेन याले टूर्नेट याले फिल्मिया। तुम्हारा मतलब जंग नहीं यानी फतह नहीं? इत हम चिगर मल है ये क्या तुमने अपनी इज्जत खो दी मक्का के बुजुर्ग? अंते मक्का चला के तुम हाथियों की फौज के सिपे सलार से तुम्हारा शहर और अल्लाह का घर बचाने की बजाय ऊँटों को बचाने की गुजारिश कर रहे हो? मेरे अल्लाह को मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं। इन्हें ये था कि नहीं निर्णय था फिर लिखा। मैं तो सिर्फ उन ऊँटों का मालिक हूँ। इन्हें वाले भी इतने तो गिमलोचे भी चला इन्हों इस पूरे शहर का और काबे का मालिक अल्लाह खुद है। तमाम उन्हें भी तू वाले भी था इन्हें अब्रा मैं हूँ अब्राहा अश्रामह यमन का हाकिम। मैंने अपने बादशाह के हुक्म पर अभी सीनिया में एक इबादतगाह बनवाई है सूरज जैसी चमकदार। मैं मक्का और उसके सारे लोगों को उसकी एक सोने की दीवार से खरीद सकता हूँ। तो अब काबा के मुहाफिज तुम मुझे ये बताओ कि काबा की खुशहाली और शोहरत दुनिया भर में हवा की तरह फैल रही है। काबा का राज क्या है? मैं ऐसा कोई राज नहीं जानता। इन्हें मिस्त्रों ना लाओ क्यों? मैं ये जानता हूँ काबा पत्थरों से बना है बेशकीमती जवाहरात से नहीं। उल्लू काबे खरीदेंगे इन्हें तो सर रहो आइडल लम्का इनको। उसे किसी ने भी अपने बादशाह के हुक्म से नहीं बनवाया। बस अब बात यहीं खत्म। हमले की तैयारी करो, ऊंट वापस दो और ऊंट बानों को आजाद करो। अब तुम मेरी फौज से दूर रहो। तुम्हारे ऊंट कल सुबह तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। हम सब तेरे बंदे हैं, तेरी पनाह में रहने वाले।
मर्जी थी कि हाथी सवार सिपाही मक्का की सरजमीन पर दाखिल नहीं हो पाए और काबा के नजदीक तक नहीं जा सके।
जो अल्लाह का बंदा मूसा अपनी मौत से पहले बनी इसराइल को अता कर गया। उन्होंने कहा अल्लाह सिना की पहाड़ी से आया, सीर की पहाड़ी से ऊपर उठा और फरान की पहाड़ी से चमका। वो हजारों नेक बंदे साथ लाया और फिर उसके दाएं हाथ से एक जोशीला मजहब वजूद में आया। बेशक वो उसके बंधु को चाहता है और वहां मुकद्दस लोग उसके कदमों में बैठे उसकी तकरीर का लुत्फ ले रहे हैं। मूसा एक मजहब लाया जो कौम याकूब की विरासत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जल्द ही तुम आदम के बेटे को हुकूमत के तख्त पर दाएं तरफ बैठा जन्नती बादलों पर सवार आता हुआ देखोगे।
सब लोगों को खाना खिलाओ। कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए। और सब खुशामदीद बिरादर, सुना है यहाँ रिश्तेदारों और बुजुर्गों की दावत है। तुम अब्बा को नहीं जानते हो क्या? जानने की क्या जरूरत, मुझे गरीबों के साथ बैठकर बचा खुचा खाना नहीं खाना। हर इज्जत ठुकराऊंगा पर ऐसी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतनी देर क्यों कर दी? उनका बच्चा भूखा है। मेरी मालकिन ने मुझे जल्दी आने नहीं दिया। मैंने सुना तुम्हारे अब्बू की दावत के चर्चे मक्का के बाहर तक हो रहे हैं। उनके पोते की शान में दावत हुई, तुम खुश नहीं हो? वो इज्जत खरीद रहे हैं एक यतीम बच्चे और उसकी माँ के लिए। ऐसी माँ जिसके पास बच्चे को पिलाने के लिए दूध तक नहीं, उस काम के लिए वो मेरी खादिमा को ले गए। मैंने कहा था तुम दावत में मत जाना। मैं तो वहाँ गया ही नहीं था। गए थे और बेइज्जत होकर लौटे हो। इज्जत खरीदी जाती है, मैं वो बिक्री छोड़ना नहीं चाहता था। कैसा दिखता है वो, अब्दुल्ला के जैसा? मैंने उसे नहीं देखा। किसी ने बताया नहीं कि वो खानदान में किस पर गया है? मैं किसी से नहीं मिला। और बिक्री से तुम्हें यह हिस्सा मिला? इज्जत दी गई अब्दुल्ला के यतीम बेटे और उसके 8 चाचाओं को। अगर इज्जत चाहती हो तो एक बेटा पैदा करो। तुम्हारी नफरत खत्म हो तो पैदा करो ना। बहुत हुआ, क्या नफरत की वजह मैं हूं या फिर तुम्हें तकलीफ इस बात की है कि अब्दुल्ला ने तुम्हें कोई तवज्जो नहीं दी और उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ? हाँ, मुझे तकलीफ है क्योंकि बनी हाशिम और बनी उमैया के बीच दोस्ती का जरिया मैं थी और मेरे हिस्से में अब्दुल मुत्तलिब के सारे हसीन और शेरदिल बेटों में से कोई नहीं आया। अगर उस दोस्ती का जरिया तुम हो तो दुनिया ने ऐसी मनहूस दोस्ती कभी नहीं देखी होगी। नफरत करती हूँ तुमसे। सबको अच्छी तरह जांचो और इस बात का ध्यान रखना कि कोई बीमार ना हो। खुजली के आसार दिखे तो सौदा रद्द करो। सिर्फ हट्टे कट्टे मेहनती लोग देखो। पूछो कौन से कबीले के हैं, कोई हुनर आता है या नहीं। रुको, वो बिकाऊ नहीं है। मक्का में कुछ हुआ है क्या? नहीं तो बस आज रबीउल अव्वल का दिन है। मैं भी आता हूँ। सुनो तो, मेरे माल का क्या हुआ? आसमान में हमने जो देखा वो सिर्फ आग थी। क्या अल्लाह मूसा से आग के जरिए बात नहीं किया करता था? हाँ, पर उस आग और रोशनी में बहुत बड़ा फर्क है। न सिना पहाड़ी दिखी जहां से मूसा आए, ना ही फरान पहाड़ी नजर आई। अल्लाह और उसका पैगंबर हमारी नजरों से ओझल है। क्या फरान वो जगह नहीं जहां इब्राहिम की नस्लें बसी? आपको नहीं लगता उसकी रोशनी दिखने से खुशहाली ही वजह थी कि बनी इसराइल यहां रहने आए ताकि वादा किया गया पैगंबर यहां पैदा हो? इसमें शक नहीं, इस कौम में किसी के घर एक बच्चा पैदा हुआ है और वो वादा की गई मुकद्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। तो आपने वो बात मान ली जिसका कोई सबूत नहीं। हमें पता करना होगा उस रात यहूदी घराने में किसके घर लड़का पैदा हुआ है। मक्का में तो यहूदियों की तादाद बहुत कम है। सैमुएल, उस आने वाले के लिए किसी खास वक्त का कोई ऐलान नहीं किया गया है। हम इंतजार करेंगे कि खैबर के आलिम हमें इसका क्या मतलब बतलाते हैं। अगर वो हमारे दरमियान है तो हम उसकी पुकार सुनने के लिए बेताब हैं।
हम जल्दी ही खैबर जाएंगे, पर उससे पहले मुझे किसी भी कीमत पर मक्का में पैदा हुए हर यहूदी बच्चे का पता लगाना है। अस्साफ जवाब यहां नहीं है। बच्चों के नाम अपने कबीले के खुदाओं के नाम पर रखे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब हिजरे अल अस्वद के पास गए। वहां उन्होंने उस जन्नती पत्थर से रहमत मांगी जो इब्राहिम के जमाने की यादगार निशानी माना जाता था। कैसा नाम हुआ भला? कहां से आया ये नाम? इस नाम में ना तो अल्लाह की बरकत है और ना पुरखों की याद है, ये भला कैसा नाम हुआ? इस नाम में अल्लाह का कोई जिक्र भी नहीं, हमने ऐसा नाम कभी किसी कबीले में नहीं सुना। किसी भी लड़के का नाम आज तक मोहम्मद नहीं रखा गया है।
इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल। इस नाम का मतलब जो तारीफ के काबिल हो, मोहम्मद। खादिमा चाहिए। सोएबा अभी भी वापस आई है। सोएबा, दूध पिलाने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो अपने घर के काम और अपनी मालकिन को छोड़कर यहाँ दूध पिलाने चली आई। वो बच्चा आपका भतीजा है और जमीला मेरी बीवी। रहम कीजिए, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। इतने दिन हो गए, अभी तक यही चल रहा है। सोएबा है कहाँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? सोएबा, आमना, जमीला को गवारा नहीं कि उसकी खादिमा उस बच्चे को दूध पिलाए। लेकिन ये अभी भूखा है। देखो सोएबा, मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी ना खुश रहे। मरने का इरादा है क्या? चुप रहो। थोड़ा पानी दे दीजिए, हम बेसहारा और प्यासे हैं। दो पड़ाव आगे वहाँ एक कुआं है। हमारा जानवर मर गया, हम तपती गर्मी से जल रहे हैं। हमें देर हो रही है। रुके, कुएं तक पहुँचने से पहले बस एक घूट। रहम कीजिए, आके देखिए हमारी हालत क्या हो गई है माली। चलो आगे। शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? मक्का। मेरे बच्चे की माँ का दूध बेचकर हम सब के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करने जा रहा हूँ। तुमने देर कर दी, वहाँ नाम रखने की रस्म हो गई और दाई माओं का बाजार अब उठ चुका होगा। लो ये रख लो। इस रेगिस्तान में तुम्हें पानी की ज्यादा मशकें लानी चाहिए थी। आप बहुत नेक इंसान है। Thank you.
मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये हमारी जुबान नहीं समझता। वैसे तुम भी कहा समझते हो। तुम्हारा भतीजा भूखा है और अगर दाई वहां नहीं मिली तो भूख से उसकी मौत भी हो सकती है। तुम्हारी खादिमा उसे दूध पिला सकती है और तुम उसे मना कर रहे हो। हम दूध की कीमत दे सकते हैं या फिर तुम अपनी खादिमा हमें बेच दो। वो खादिमा मैंने अपनी बीवी को तोहफे में दी है। अब तोहफा ना वापस लिया जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। लानत है। अब जमीला आपकी बहू है, इसे बुरा मत कहिए। अब तो ये आपके ही खानदान का अजीज हिस्सा है। मैं इस पर इल्जाम नहीं लगा रहा, अपने ही खून पर लगा रहा हूं। बनू उमैया ने तुम्हें बनी हाशिम से खरीदा और इसे तुम्हारी बीवी बना दिया, या यूं कहें तुमने खुद अपना कबीला उन्हें बेच दिया। अगर तुम ना चाहते तो नहीं होती ये शादी। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि बनू उमैया तुम्हें सरदार बना सकता था। मेरे कबीले से आखिर मुझे मिला क्या है? काबिल को हाबिल से इतनी दुश्मनी नहीं थी जितनी तुम्हें अपने भाइयों से है अबू लहब। खैबर शहर। अजीम रुमान इल्म नुजूम के बारे में जानते हैं और यह भी कि फरान से मैद्रस की तरफ रोशनी की बारिश की खबर से तुम कितने बौखला गए हो। यह निशानियां इशारा हैं कि आखिर निजात की सुबह का हमारा लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। यह हकीकत जल्दी जाहिर हो जाएगी। मुझे फिर भी फिक्र है। किस बात की फिक्र? पैदाइश का सबूत तो मिल चुका है पर पैगंबर की पहचान अभी नहीं हो पाई है। इशारा मक्का की तरफ है जहां यहूदी बिरादरी की तादाद बहुत कम है। नहीं नहीं, रोशनी की बारिश में मक्का के किसी यहूदी घर में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। पैदाइश की खबर चारों तरफ है और उस बच्चे की तलाश जारी रहेगी। दूसरा ईसा हमारी अजीम यहूदी कौम को बांटे हम वो मौका आने ही नहीं देंगे। इतने बरसों तक इंतजार करने का क्या फायदा अगर वो पैगम्बर यहूदियों के यहाँ नहीं अरबों की कौम में पैदा हो। पैगम्बर के जाहिर होने के पीछे खुदा ने कोई भी शर्त नहीं रखी है। अगर वो हमारी कौम में नहीं हुआ तो वो जो तुम्हारी मर्जी से इस जमीन पर आए वो तुम्हारा मददगार तो हो सकता है लेकिन पैगंबर नहीं। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे हर हाल में तलाश करें। एक तरफ शक व शुबा और दूसरी तरफ है यकीन। क्या ये फिरौन का हुक्म नहीं है जो मूसा के मानने वालों ने बताया? हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। मुकद्दस किताब यही कहती है। एक बच्चा पैदा हुआ जिसके कंधों पर हुकूमत की बागडोर होगी। उसका नाम हैरत अंगेज रहनुमा रखवाला पैगंबर सरपरस्त बादशाह है। वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हम पर हुकूमत करेगा। उसकी हुकूमत की बुनियाद इंसाफ और बराबरी पर रखी होगी और उसकी अमन पसंद हुकूमत कायम रहेगी। यही परवरदिगार की मर्जी है। अगर वो हमारी कौम से नहीं हुआ तो? अगर वो हमारी कौम से नहीं है तो फिर वो सच्चा पैगंबर कैसे हो सकता है? क्या खुदा ने तुम्हारी कौम को इस लायक नहीं समझा? तुम मक्का जाओ, वहां जाकर अपना कारोबार शुरू करो।
और अगर तुम्हें फरान में हुई नूर की बारिश पर यकीन है तो फिर वहां जाकर उस लड़के की तलाश करो जिसके कंधों पर बादशाहत का निशान हो। वही निशान जो दूसरे पैगंबरों के हाथों पर हुआ करता था। अरब के लोग किसी पैगंबर के इंतजार में यकीन नहीं करते। अगर मुझे इन निशानियों के साथ वो अजीम रूह मिल गई तो वो बच्चा एक खजाने की तरह है जो हमारी परेशानियां खत्म कर सकता है। जाओ उसे ढूंढो। काउंट बेचने के बाद मुझे इतनी ही रकम मिली। इतने में से गुजारा कैसे होगा? पता नहीं। ये कमजोर जानवर भी वापस ले जाने लायक नहीं रहा। परेशान मत हो, मैं इसे बाजार में बेच के आता हूँ। कुछ ना कुछ रकम तो मिल ही जाएगी। इसे बेचकर एक सिक्का भी नहीं मिलेगा और हमारी बेटी का दिल भी टूट जाएगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी मालकिन को खुश करना बहुत मुश्किल है और अगर उन्होंने तुम्हें चुन लिया तो अच्छी खासी रकम देंगी। चलो तुम दोनों अब। इसे बेकार में मत घुमाओ, तुम इसे और कमजोर कर दोगे। ये तो जख्मी भी है। मैं कीमत सिर्फ इसकी गोश्त की दूंगा और इसे जिबा करने के पैसे नहीं लूंगा। तुम चाहो तो ख्याल रख सकते हो। तुम अपनी मालकिन से कहो ना मुझे चुने। मैं गरीब और बेसहारा हूँ। Come on!
शमीर क्या कर रहे हो? आ रहा शमीर जमीर, मत बैठ, जमीर। जमीर, चल चले, चल, आजा, 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 उठो, उठो, आजा। वो डर गया है, उसे सुकून से बैठने दीजिए। खाने में शरीक नहीं होंगी? मुझे मेहमानों के आने का इंतजार था। घबराइए मत, घर वाले इसका ख्याल रखेंगे। आइए, खुशामदीद। आइए ना। खुश आमदीद, आइए बैठिए। बच्चे को वहां लेटाकर आप आराम से बैठ सकती हैं। जाइए जाइए। नहीं उतरता और अब तक इसने कोई दाई माँ को भूल नहीं की। दूध नहीं था मगर
फिर इसके होंठ छूते दूध उतर आया। आपका नाम हलीमा। हलीमा सादिया। इसकी खनक कहती है ये खरा सोना है और ये सिर्फ उसको मिलेगा जो एक बच्चे को ढूंढ निकालेगा। उस बरकती बच्चे के कंधे पर एक खास निशान है। इस तपते सूरज के बंजर शहर में माएं अपने बच्चों को पालने के लिए अक्सर पास के गांव से आई हुई दाई माओं को दे देती हैं। हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। उसे शहर के अंदर और बाहर अच्छी तरह ढूंढो। लो ये भी लो। जाओ 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 जल्दी जाओ, जल्दी ढूंढ के लाओ। जाओ आमना। मैं जानता हूं मोहम्मद से जुदा होना इतना आसान नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता बाबा। मोहम्मद को ले जाने की बजाय क्या वो यहाँ नहीं रह सकती? उस दाई माँ का शौहर है, बच्चे हैं, वो यहाँ कैसे रह पाएगी? काश अब मुझे भी इसके साथ जाने की इजाजत दे दे। तुम्हारी भलाई के लिए और मोहम्मद की भलाई के लिए बेहतर है इसे अकेले ही जाने दो। तुम्हें किस बात की फिक्र है? हम बहुत खुश नसीब हैं। मैं हलीमा के खानदान को जानता हूं। देखो मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगा तुम अक्सर जाकर उससे मिल सको। मोहम्मद सिर्फ 2 महीने के थे जब उनका सफर शुरू हुआ और हम सब के लिए ये खुशी की बात थी, मगर आमना के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे बच्चों को बुरी नजर से, शैतानी रूहों से दूर रखेंगे। सफर से थक गए हो गए ना? हाँ बिरादर, बहुत ज्यादा। क्या नाम है इसका? मोहम्मद। चलो सामान उतारो। Thank you.
साफ कपड़े पहनो, जितने भी पुराने कपड़े हैं उन्हें जला दो। जी जरूर, पिछले साल का बचा हुआ सारा अनाज जला दो। अपने जानवरों को शहर के कुओं के पास मत जाने दो। उनके लिए पानी शहर से बाहर वाले कुओं से लेकर आओ और वही पानी उन्हें पिलाओ। मक्का के सारे कारोबारी अपने गोदाम खोल दें और उनके पास जो भी अनाज है वो शहर के सभी लोगों में बराबर तकसीम कर दें। मैं कुछ कर सकता हूँ? तुम गेहूं लाने ताइफ चले जाओ। अगर कोई बीमार शख्स दिखे तो उसे बाकी लोगों से अलग कर देना। और हाँ, देखो कितने ऊंट और घोड़े तैयार कर सकते हो। थोड़ा गेहूं और कपड़ा लाया हूँ, शुक्रिया मत कहना। खाना और कपड़े ये आजकल सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसका मुआवजा कैसे चुकाऊंगा? मुआवजे की कोई जरूरत नहीं। आप अपना सब कुछ अपने यहूदी लोगों के दरमियान बराबरी से बांट रहे हैं। ये इब्राहिम के मुहाफिज़ काबा का इंसाफ है जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाया। हमारे बीच कोई फर्क नहीं है, वो हमारे बिरादर हैं, इसी सरजमी के बाशिंदे, और यहाँ साथ साथ रहने के हक ने हमारे नसीब भी एक कर दिए हैं। ये तोहफा है आपकी नेकी और ईमानदारी का। इस शहर के तमाम बच्चों, खासकर उस बच्चे के लिए जो फरान की तारों की बरसात वाली रात पैदा हुआ था, मेरे ख्याल से आप उसका नाम जानते हैं। कुछ नहीं जानता मैं। तुम अपने माल की कीमत बता दो, मैं वो रकम चुका दूंगा।
जानते हैं आप। आप लोग शुरू कीजिए ना। मोहम्मद को कल हलीमा के यहां जाना होगा। यह अकेला नहीं जा रहा, मक्का के तमाम बच्चे भी इसके साथ जाएंगे। खाना शुरू करें। तुम जानती हो मैं मोहम्मद से कितना प्यार करता हूं। मेरी सारी उम्र जुदाई में गुजरी। पहले मेरे शौहर मुझे छोड़ गए अब्दुल्ला, और अब मेरा बेटा जा रहा है मोहम्मद। बाकी सारी माएं भी तो अपने बच्चों के साथ वहां जा रही हैं। रहम कीजिए, मुझे भी उसके साथ जाने दीजिए। मोहब्बत में तो दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ता है। उसकी बेहतरी के लिए फिलहाल उसे गुमनाम ही रहने दो आमना। जो बच्चा खुद सबके लिए रहमत लाए उसके खुद के मुकद्दर में इतनी जुदाई क्यों है? मोहब्बत एक अजीब पहेली है। कोई तो जरूर है जो उसे हम दोनों से ज्यादा चाहता है।
कौन सा बच्चा है? वो लड़का जो सफेद लिबास में है। क्या चाहिए तुम्हें? हम बेसहारा हैं। थोड़ा खाना और पानी मिल जाए तो। साइमा, इन लोगों को पानी दे दो। अरे बच्चे को क्यों हाथ लगा रही हो? शफा, हमारे खेमे यहाँ नजदीक ही हैं। पानी पियो और भागो यहाँ से। मेरा शौहर बीमार है, ये वहाँ जाके उन्हें ठीक कर देगा। मैंने कहा ना जाओ। तुम जो भी कीमत मांगोगी हम देंगे, बस शफा चाहिए। अब एक लफ्ज भी कहा तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भागो यहाँ से, जाओ, निकलो, जाओ यहाँ से, जाओ, भागो, जल्दी करो, वो लोग आ रहे हैं। जाओ, अपने अब्बू को जल्दी बुला। मोहम्मद को मक्का ले जाऊंगा, उसे तैयार करो, सुबह होने से पहले निकलना होगा। रखी, कभी नजरों से दूर नहीं जाने दिया। हलीमा भी किसी औरत को घर में घुसने नहीं देती थी। किसी को उसके आने की खबर ना हो, उन्हें खाना तैयार करने को कहो, मैं उसे एक महफूज जगह पर ले जाऊंगा। और हमना? उसे मेरे जाने के बाद बता देना। हारिस का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा।
बेटे मोहम्मद, इस्तकबाल कारे हीरा में, इसकी खूबसूरत तन्हाई में, यहां की पाकीज़गी और खामोशी में। मोहम्मद ने कहा यहां का मौसम खुशगवार है। तुम बहुत तेज चल रहे थे, मुझे लगा शायद तुम रास्ता भूल गए हो, पर लगता है तुम बेहतर रास्ता जानते हो। मोहम्मद ने पूछा माँ कहाँ है, वो कब आएंगी। हम सफर पर जाने के लिए यहीं उनका इंतजार करेंगे। मोहम्मद ने पूछा कैसा सफर। हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना है। सफर पर निकले थे। आप
वो कबीले वाला एक बच्चे को रात के अंधेरे में घोड़े पर यहां मक्का लेकर आया। उस बच्चे का नाम पता चला? मोहम्मद। मोहम्मद, मोहम्मद। झरना सूख गया है, झरना सूख गया है। ये तो बुरी खबर है। मोहम्मद ने पूछा, क्या वो लोग पत्थरों से पानी मांग रहे हैं? अल्लाह ने इब्राहिम की नस्ल को इस खुश्क जमीन में पानी दिया और उन लोगों को पत्थरों से काबा बनाने को कहा और ये भी कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो। पर इस सरजमीन के लोगों ने अल्लाह की इबादत के बजाय सिर्फ और सिर्फ काबा को ही देखा। वो अपने तरीके से इबादत करने के लिए काबा के पत्थर अपने साथ ले गए और इस तरह इब्राहिम के अल्लाह और उनके मजहब को भूल गए। मोहम्मद ने कहा, फिर झरना बहना बंद हो गया। मेरी आंखों की नूर, ओह आमना बेटी, खुदा का लाख लाख शुक्र कि इतने बरसों बाद तुम्हारे दीदार का मौका मिला। सही नसीब, दूरियों की वजह से ही आपसे मिलने की तमन्ना थी। तुम्हारी आंखें देखकर मुझे अब्दुल्ला की याद आ गई। मोहम्मद, मेरी जान। खुशामदीद आमना। अस्सलाम अलैकुम। आओ बेटा, अंदर आओ। बच्चों, ये है तुम्हारा प्यारा मेहमान मोहम्मद, इसका ख्याल रखना। अब्दुल्ला, मोहम्मद यहाँ मेरे साथ है।
मोहम्मद, जब मैं बच्ची थी तब मैं आसमान को छूना चाहती थी पर नहीं छू सकी। मैं चाहती थी कि मैं दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर लगे उस फल तक पहुंच सकूं, जो ऊपर आसमान के पास हो, जैसे कि वो सेब। जब मैं पहली बार तुम्हारे अब्बू से मिली तो वो दरख्त के उस ताज़े फल की तरह थे जो बुलंदी पर था, जहाँ किसी का हाथ ना पहुँचे। सुनहरे बाल, खूबसूरत, मासूम और इज्जतदार चेहरे पर धूप जैसी चमक। अल्लाह ने इस आमना की ख्वाहिश कबूल की और उसे अब्दुल्ला अता किया। हमारा साथ सिर्फ 2 ही महीने का था, लेकिन वो लम्हे मेरे लिए किसी मीठे ख्वाब की तरह थे। मोहम्मद ने कहा, माँ मैं आपके लिए सेब लाया हूँ। आइए। अपनी आंखें खोलो आमना बेटी।
ये लंबा सफर तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। नहीं, अब मैं बेहतर हूँ। मुझे तब तक कुछ नहीं होगा जब तक मैं मोहम्मद को उसके खानदान तक ना पहुंचा दूं। अब मैं यहाँ तुम्हें रुकने को नहीं कहूंगा, तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। मोहम्मद बेटे, ये तुम्हारा दूसरा घर है। मोहम्मद ने कहा मदीना बहुत याद आएगा। हमें भी तुम बहुत याद आओगे मोहम्मद। सफर मुबारक हो। काफिला रवाना हो, काफिला रवाना हो। हमें मोहम्मद और आमना से कुछ खबर मिलनी चाहिए। अबू जान, मैंने एक ख्वाब देखा, उसमें मैं एक घूंट पानी को तरस रहा था, पर उसके बाद मैंने मोहम्मद का बेजान जिस्म और होंठ पानी में डुबो दिए। मैं इसकी ताबीर नहीं समझ पा रहा हूं। पानी? मुझे इसका माकूल जवाब नहीं मिला। जब तक जवाब नहीं मिलता, चैन नहीं आएगा। ख्वाब की ताबीर है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। जल्दी जाओ। बेटे का इस्तकबाल है। तुम सब इतना घबराए हुए क्यों? हम लोग समझे डाकू लुटेरे लौट आए। डाकू लुटेरे? वो सब चोर नहीं थे। कल कुछ लोगों ने कारवां पर हमला किया, मगर उन्हें सामान नहीं लूटना था। तो क्यों आए थे? उन्हें तलाश थी एक माँ और एक बच्चे की। मोहम्मद, आमना, वो दोनों कहाँ पर है? रास्ते में आमना की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो हमें उन्हें पास के अबुआ गाँव ले जाना पड़ा। उन हमलावरों से क्या कहा तुमने? उन्हें गांव के बारे में कुछ नहीं बताया, कह दिया वो मदीने लौट गई। आपका शुक्रिया। चलो जल्दी। बारिश ऐसी हो रही थी जैसे कभी रुकेगी ही नहीं। आखिरकार वो थम गई। अब सितारे चमकने लगे थे, बेशुमार शौख जगमगाते टिमटिमाते। हालांकि सुबह होते ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वैसे ही ये दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती ही बरकरार रहेगी, ठीक तुम्हारे हाथों की खुशबू की तरह, जो हमारे मदीने से निकलने के बाद भी यहां तक आ रही है। Thank you.
क्या हुआ? बनी हाशिम की बहू गुजर गई। मोहम्मद बीमार है, तुम्हारा मोहम्मद। मोहम्मद क्या हुआ मोहम्मद को? माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके। इन्हें बुखार हो गया है आका। मोहम्मद बुखार बहुत तेज है, किसी भी तरह कम नहीं हो रहा है आका। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटे मोहम्मद।
हमारी इस कौम ने खुद को बसाने के लिए अल्लाह से जमीन मांगी और जब वो जमीन उन्होंने उसे अता की थी तो क्या अल्लाह ने कहा था कि ये सारी जमीन अब तुम्हारी है, कि इस जमीन पर तुमसे पहले कोई नहीं रहा करता था? गौर से सुनो, हमें अभी अभी मक्का से बहुत बुरी खबर मिली है सैमुअल। यहूदी सौदागरों को मक्का में कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे हमारी कौम को फायदा होगा? हमारे मजहब में कारोबार का मतलब जाती फायदा उठाना नहीं, बल्कि पूरी कौम को बुलंदी पर ले जाना और उसकी शान बढ़ाना है। और यह जरूरी है कि हम दूसरी कौमों से समझौता करें। तुम्हारे जुनून की आग कौम को जलाए उससे पहले उसे बुझाना होगा। हमें सिर्फ ये आग ही नहीं बुझाना होगा, बल्कि आग भड़काने वालों को भी खत्म करना होगा। जो आसमान की तरफ पत्थर फेंकता है, वो पत्थर उसी के सर पर गिरता है। जिस अल्लाह का तुम्हें कोई खौफ नहीं, उसके मुकद्दस कपड़े पहनने का भी तुम लोगों को कोई हक नहीं। दूसरे खुदाओं को मानने वाले अनजाने में ही बुतपरस्ती के रस्म और रिवाज के साथ जोड़कर काबा का तवाफ करते हैं, पर हम लोग आज भी हज की रस्म उसी तरह अदा करते हैं जैसे पैगंबर इब्राहिम किया करते थे, यहां मुकद्दस पत्थर को छूकर।
आइए जैनसी, खुश आमदी। वाह वाह। मक्का के अजीम सौदागर ने मेरे खैमे में आकर मुझे इतनी इज्जत बख्शी। रेगिस्तान में और ऐसे ऐशो आराम। सच बताओ, कोई खजाना मिल गया क्या? तुम्हारे वालिद ने हमें मक्का में आने लायक नहीं समझा तो क्या करता, समंदर के मोती रेगिस्तान में बेच रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे मोतियों का खरीदार नहीं, ना ही अब्बू मेरी सिफारिश पर गौर करेंगे। मगर खैबर और मुझे जवाहरात की परख है। सुना है तुम्हारे वालिद साहब की तबीयत नासाज है। हाँ ठीक सुना तुमने, इसीलिए उन्होंने हज की जिम्मेदारी दूसरे बेटे को सौंप दी। मुमकिन है अगले हज तक हमारे मक्का में कारोबार करने पर लगी पाबंदियां हट जाएं, और ये भी हो सकता है कि इकरारनामे की खुशी में कुरैश के बुजुर्ग के साथ ये हमारी पहली दावत हो। अब्बू से मिलने जा रहा हूं, तुम भी चलो। हमें अकेला छोड़ दो। आपकी सेहत के बदले में 10 ऊंट कुर्बान करूंगा। आपके हाथों की शौकत की कमी महसूस होती है अब्बू, हालांकि आप हमेशा से ही मुझसे दूर रहे, फिर भी आप मेरे अब्बू हैं, हमारे खानदान के बुजुर्ग हैं। मैं आपकी शफकत से महरूम नहीं रहना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं। पहले मरना आसान नहीं है। बेटे मोहम्मद, जाओ घर के सभी लोगों को यहां बुला लाओ। अपने दिल पर बोझ मत बढ़ाइए, ये जानलेवा बीमारी नहीं है। और मोहम्मद की फिक्र तो बिल्कुल मत कीजिए, वो हम सभी की आंखों का तारा है। अब्बूजान, गर्म दूध है, पी लीजिए, आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। कभी ये बच्चा मां के दूध से महरूम था। इस नायाब बच्चे का बहुत ख्याल रखना।
इसे अपने अब्बू की शफकत नहीं मिली, ना ही इसे अपनी माँ का पूरा प्यार मिला। इसे अपने दिल का टुकड़ा समझना, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह। अब मैं सुकून से मर सकता हूं। सूद समेत ले और अपनी बीबी वापस ले जाओ। इस वक्त हमारा मेरे जानवर बीमार हो गए। मैं नहीं जानता ये बीमारी या जानवरों को, मैं तुम्हें जानता हूँ और जानता हूँ इसी से मुझे मुनाफा मिलेगा। बाहर निकालो इसे। मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। मोहम्मद ने चाचा को सलाम कहा। मोहम्मद इतने बड़े हो गए हो तुम। मोहम्मद ने कहा, बच्चों की खातिर सोएबा को छोड़ दीजिए। इसने मुकर्रर वक्त में दुगनी रकम लौटाने का वादा किया था, उसी वादे पर बीवी को गिरवी रखा था। मोहम्मद ने कहा, उनकी बीवी को आजाद कर दीजिए, बाद में वो रकम चुका देंगे। वो कैसे? वो तो नाकारा है। जब वो मेरे यहाँ काम करता था तो उसके बीवी बच्चों की मदद मैं करता था, फिर उसे लालच हो गया और कारोबार के लिए कर्ज लिया। उसकी बदनसीबी की कीमत मैं क्यों चुकाऊं? मोहम्मद ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसका कर्ज चुका दूंगा, और अगर नहीं चुका सका तो मैं आपके यहां काम करूंगा। तुम और तुम्हारी जमानत कौन देगा? अबू तालिब,
अपना मोहम्मद तो ईमानदार है ना, इसकी ईमानदारी ही इसकी जमानत है। आज बहुत मुबारक दिन है, मोहम्मद ने इस घर में कदम रखा है। तुम्हारे भतीजे ने पहली बार तुमसे फरमाइश की है, उनसे फौरन नीलामी रोकने के लिए कह दो। इसमें कोई हिचकिचाहट क्यों? इसकी बीवी को ले आओ। सोएबा मेरी खादिमा हुआ करती थी, उसकी आजादी के बदले हमें मोहम्मद के ज्यादा दीदार हो सकेंगे। ये मुनासिब वादा मंजूर है। तुम अपना वादा मत भूलना। मोहम्मद ने कहा मैं अपना वादा निभाऊंगा। मोहम्मद ने पूछा ये आपकी बेटी है ना, बिल्कुल आप ही की तरह दिखती है। देखिए इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, बिल्कुल आपकी तरह। इसकी उम्र खूब लंबी हो और इसके बच्चों के जरिए आपकी आंखों का नूर हमेशा कायम रहे। कितने खुशनसीब हैं आपकी, ये आपकी बेटी है, बेटी जन्नत की रहमत है। अब्दुलुजा, मक्का में तुम्हारा क्या सामान छूट गया जो तुम्हें तुम्हारे काफिले में नहीं मिला? एक ही चीज रह गई थी, मोहम्मद का वादा जो एक मां की रिहाई के बदले दिया था। काफिला बहुत बड़ा है, मैं तो गिनते गिनते थक गई।
मैं अंधा नहीं हूं। मोहम्मद को वो अपने साथ ले जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है? पहले ही अपने अब्बू से कहकर तुम्हें मोहम्मद को अपने पास रखना चाहिए था, भाई के पास नहीं। फिर तुम इतने बेबस नहीं होते। बस भी करो जमीला। देखो तुम यहाँ कमरे में बैठकर रंग बिरंगे लिबास में खुद को कुरैश का बुजुर्ग नहीं समझ सकते। अगर वो इज्जत का नाम है तो वो अबू तालिब के पास क्यों है? यहूदी इबादत गाह जाओ और बारोख से मिलो, कहना ये पैगाम सैमुएल के लिए है। जब इस दुनिया में ना इंसाफी और मुकद्दस मजहब में ना पाकीज़गी आएगी, उस वक्त अल्लाह बरतर रहम करके सफेद बादल के साए में एक पैगंबर भेजेगा। मेरा लिबास जल्दी लेकर आओ। Oh.
مرون آتیوی جورا آل ایبالتا عربتا یہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ اس عربی قافلے کے سردار ہیں ہاں بولیے یہاں کے گرجا گھر کے پادری نے آپ کو اور آپ کے سبھی ساتھیوں کو اس مبارک دن کی شکر گزاری پر دعوت دی ہے محمد نے کہا چاچا جان دعوت قبول کیجیے ضرورت مندوں کا محافظ کیا یہ آپ کا بیٹا ہے کون محمد وہ تو ہمارے ساتھ ہمارے بیٹے کی طرح رہتا ہے دراصل وہ میرا بھتیجا ہے آپ کے بھائی کا بیٹا یہ ایک اور نشانی ہے وہ اس دنیا میں اکیلا ہے حفاظت اللہ میں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں خدا نے ہمارے پیغمبر کو خوشخبری دی تھی کہ وہ ہمیں ایک اور پیغمبر عطا کرے گا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا تو وہ پیغمبر ہے کون وہ ہماری طرح کے انسان ہے لیکن پاک اور سچی روح والا وہ ہماری پیغمبر کے لیے گواہی دے گا رکو وہ ہمارے لیے خوشیاں لائے گا وہ ایک سچی روح ہے جسے دنیا قبول نہیں کرے گی کیونکہ یہ دنیا نہ اسے دیکھے گی نہ پہچانے گی مگر تم اسے جانتے ہو وہ تمہارے بیچ رہے گا جب وہ باقی ضرور تمہارے سامنے ہوگی وہ تمہیں سچائی کی راہ پر لے جائے گا کیونکہ وہ اپنے الفاظ نہیں بولتا وہ صرف وہی بولے گا جو کچھ اس نے سنا ہے وہی تمہیں تمہارے مستقبل کی خبر دے گا محمد نے پادری کو سلام کیا خوش آمدید نوجوان سلام محمد نے پوچھا آپ ان کے ساتھ ویسا سلوک کیوں نہیں کرتے جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں یہ ہماری غلطی ہے یہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ہمیں مقرر کیا گیا ہے جبکہ بے سہاروں کو نظر انداز کرنا بڑا گناہ ہے اور آپ کے الفاظ ہمارے پرکھوں کی کہی بات پر بڑی دھول صاف کر رہے ہیں عیسیٰ نے بھی یہی کہا لوگوں سے ویسا سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو یہ ایک اور نشانی ہے نوجوان کہ آپ نے اس گرجا گھر کی عظمت کو نظر انداز کر کے انسان اور اس کی تکلیفوں پر توجہ دی آپ نے فرمایا اللہ کی یہی مرضی ہے بالکل یہی الفاظ عیسیٰ مسیح نے کہے تھے دوسری زبان میں ہماری تعلیم کا پہلا سبق ہے یہ جاننا کہ خدا صرف ایک اور عظیم ہے وہ خدا آپ کو کہاں پر ملے گا آپ نے جواب دیا ٹوٹے ہوئے دلوں میں کہیے اس پر رحمت اور برکت عطا ہو جو خدا کے نام سے یہاں آئے گا دنیا کے اس علاقے میں خدا کے پیغمبر کسی بھی اور جگہ سے کہیں زیادہ ہے میں نے دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے پیغمبر خود ہی چنتے ہیں اور پھر وہی انہیں برداشت نہیں کرتے وہ لوگ زبان سے تو پیغمبر مانتے ہیں پر ان کے دلوں میں ڈر ہے انہیں چھوٹے منافوں کی عادت ہے وہ ڈرتے ہیں ان کی دنیا ڈگمگا جائے گی کہیں کوئی پیغمبر آ کر
उनके पिछले सभी पैगंबरों और उनकी किताबों को मानने से इनकार न करते। वो नहीं जानते कि वो खत्म नहीं बल्कि मुकम्मल करेगा। उसके आने की कई निशानियां हैं। उनमें से कोई एक निशानी बताइए। क्या आपने उनके कंधों के बीच कोई निशान देखा है? बताइए। देखा है। जानते हैं क्या है वो निशानी? है पैगंबर होने की। एक बात सुनिए, आगे रास्ता बहुत खतरनाक है, सफर यहीं पर रोक दीजिए, मुल्क शाम मत जाइए, मक्का वापस लौट जाइए और उनका बहुत ख्याल रखिए। और काफिले से जो भी मिला वो तुम्हारा है। उन्हें बसरा की जमीन छोड़नी पड़ेगी ताकि हुकूमत की फौजें उनकी हिफाजत ना कर पाएं। तुमने कहा कि ये कबीलों का झगड़ा है और कोई भी जिंदा ना बचे। वैसे इसके अलावा तुम उनसे और क्या चाहते हो? हमें अपने गुमशुदा को निजात दिलाना है। निजात? 12 बरसों की तलाश के बाद निजात? अब जाकर मुकाबले का वक्त आया है। मैं सिर्फ अपने लोगों की निजात के बारे में सोच रहा हूँ। और ये जान लो, अल्लाह ने मूसा से कहा था, हम पैगंबर भेजेंगे जो तुम्हारे भाइयों में से एक होगा, उसका पैगाम सुनना और उस पर अमल करना। वो हम में से नहीं है, समझ रहे हो तुम? यही तो फिक्र है। तुमने तो कहा था कि सिर्फ अरब लोग ही उनके मुहाफिज हैं, मगर यहाँ रोमन फौज भी है। ये ताकतवर और तजुर्बेकार है। इस तरह तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें और आदमी चाहिए। ये जंग खत्म होने के बाद मिलेगा। ये बात हमारे दरमियान ही रहे। तुम 3 तीरंदाजों के साथ फौरन आगे जाओ और कुछ किराए के आदमी लाओ। अगर कोई नहीं आया तो पहाड़ी की तरफ हमारा इंतजार करना, समझे? अब जाओ। याद रहे, काफिले के पीछे साय की तरह उनके साथ रहना। चलो आगे बढ़ो। बाहिरा ने कितना उम्दा मंसूबा सोचा कि हम इबादतगाह से काफिले के बाद निकलें ताकि मोहम्मद को महफूज रखा जा सके। वीराने में भटकता घोड़ा कैसे आ गया? वो अपने सवार को कहां छोड़ आया होगा? कोई घोड़ा अपने सवार को छोड़कर कभी नहीं जा सकता, जब तक कि सवार खुद उसे न छोड़े।
सैम हुआ। हम यहीं रुकेंगे। अपने अपने ऊंटों को बैठा दो। मोहम्मद ने बच्चों से कहा, आओ। अबीले के सारे आदमी कहाँ हैं? समंदर गए हैं? नहीं, ये जख्मी है, सफर नहीं कर सकता। क्या हमें मदद मिलेगी? जो भी हमारे पास है इनमें बांट दो। गदीर तक पहुंचने की खुराक है हमारे पास। Thank you.
ہماری بھوک دیکھ، او زرائی خدا ہم پر رحم کر، وہ عورت اور اس کے بچے تیری ناراضگی کے لیے قربانی دینے جا رہے ہیں، امید ہے تیری نظر کرم ہم پر پھر سے ہوگی، اب ہم ان قربانیوں کو سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ وہ پھر سے ہمارا انعام دلا سکیں۔ فریاد سن، عورتوں کی فریاد سن، سن لے ان کی فریاد، ان پر رحم کر، دریائے قربانی قبول کر، قربانی قبول کر، قربانی قبول کر، قربانی قبول کر، قربانی قبول کر۔ کی حفاظت کرو۔
अब्बू जान, पाक पैगंबर आपको बुला रहे हैं। मोहम्मद, पैगंबर अल्लाह ने तुम सबको अल्लाह का यह पैगाम साफ और बावाज़े बुलंद भेजा है। तुम सभी इस पैगाम को बड़े गौर से सुनो। पैगाम अल्लाह पैगंबर को, उन पर लाखों सलाम और दुआ हो के मुसलमानों से ताल्लुक तोड़ने का समझौता अब रद्द होता है। वही समझौता जिस पर कुरैश के बुजुर्गों ने दस्तखत किए थे। ओ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे सुन, परसों पहले कबीलों के बीच किया गया समझौता रद्द करने के लिए नहीं किया गया था। कुरैश कबीले के अपने बुजुर्ग हैं और उनके अपने खुदा हैं। कहा है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। लूत, उज़ा और होबल ने इन लोगों पर रहमत भेजी और इनकी हिफाजत की, पर मोहम्मद के अल्लाह ने उसके मानने वालों के लिए सिवाय गरीबी, भुखमरी और मौत के क्या भेजा। ओ अब्दुल मुत्तलिब के बेटों, क्या मोहम्मद उसके अल्लाह से अपने लोगों के लिए यही चीजें मांग रहा है? तुमने इस चौराहे पर जवान और बूढ़े, औरत और बच्चे सभी को बुलाया है कुरैश के उस समझौते को रद्द करने के लिए। अब यहां सबके बीच ये बताओ, तुम्हारे पास सबूत क्या है? तुम्हारी बात में सुनने लायक क्या है? और क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो समझ लो अबू तालिब, ये समझौता तो अब तब ही रद्द होगा जब मैं चाहूंगा, जब कुरैश के सभी बुजुर्ग चाहेंगे। वरना वादी में रहने वालों के लिए मक्का का सिर्फ एक ही जवाब होगा, जंग और तलवार। आखिर तुमने किस समझौते पर आज ये जंग का परचम थाम लिया है? खून से अपने हाथ रंगने से पहले तुम अपने बुजुर्गों से ये क्यों नहीं कहते कि वो खुफिया तरीके से लिखा दस्तावेज तुम्हें भी दिखाएं? शायद तुम सबको इन लोगों पर इतना यकीन ही नहीं है। अल्लाह ने उसके पैगंबर को ये पैगाम दिया है कि अब वो समझौता नहीं बचा, उसको दीमकें खा गई। अगर ऐसा नहीं है तो साबित कर दो। ठीक है, मैं अभी साबित करके दिखाता हूं। छड़ी कहते थे,
वो उन पर ईमान नहीं लाए और उनको जादूगर कहा, जबकि वो अल्लाह के पैगंबर थे। सिवाय एक अल्लाह के हर एक जिंदा चीज को फना होना है। सुनिए हजरत, आप इसे अल्लाह की दावत की निशानी समझिए। अल्लाह की तरफ जाओ जो सिर्फ और सिर्फ वाहिद है, लाफानी है। मुझे कोई समझौता नजर नहीं आता जिसका मैं वफादार रहूं। उनकी जीत की निशानी है अबू सुफियान, तुम बिल्कुल मत हिचकिचाओ, तुम्हारे पास अब भी ताकत है। जब तक अबू तालिब मोहम्मद का निगहवान है, हम कुछ नहीं कर सकते। إن الله خبير بما تعملون.